सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक का आपका डेट ऑफ बर्थ है यानी कि आपका जो जन्मतिथि है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। तो फिर चलिए बिना किस तरीके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप फेसबुक के अकाउंट बनाते हैं एंड आपको नहीं पता है कि उधर आप कुछ भी अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देते हैं एंड उसके बाद आपको लगता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप जाकर चेंज करते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं होता है। आपको अपने फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इधर आपको क्या करना होगा। आप देख सकते हैं मैंने इधर अपने फेसबुक को डाउनलोड कर लिया है एंड आपको भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप ब्राउजर पर भी जाकर इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ये ब्राउजर पर भी काम करेगा। ठीक है, चलिए हम अपने इधर लॉग इन कर लेते हैं। होम पे हूँ एंड आपको भी होम पे आ जाना है। जैसे ही आप अपने होम वाला ऑप्शन पर आते हैं तो इधर आपको देखने को मिलेगा ऊपर साइड में, जो कि आप देखेंगे इधर आपको इधर थ्री डॉट वाला ऑप्शन, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे आप थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल आइकन है इधर आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको करना कुछ नहीं फ्रेंड, इधर आपको देखने को मिलेगा आपको सी योर प्रोफाइल, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोफाइल है इधर आपको देखने को मिल जाएगा एंड आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इधर देखने को मिलेगा सी योर अबाउट इन्फो वाला ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ सी योर अबाउट इन्फो, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इधर अबाउट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन एंड आपका जो भी फ़ोन नंबर हुआ वो भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैं इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरा इधर डेट ऑफ बर्थ, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो एक क्लिक ही नहीं होता है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इधर से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इधर आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, इधर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको इधर बैक आ जाना है, क्योंकि हमें तो इधर अपने डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा आपको इधर बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आते हैं तो इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड आपके सामने फिर से वही वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना रहता है एंड आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा एडिट पब्लिक डिटेल्स, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट पब्लिक डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपका जो इधर जो भी डिटेल्स आप डाले हैं यानी कि मोबाइल नंबर या फिर आप जो भी डाले हैं इधर आपको देखने को मिल जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड आप देख सकते हैं इधर आपको देखने को मिलेगा नीचे साइड में आप इधर से कोबर भी फोटो लगा सकते हैं एंड आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर आपको करना कुछ नहीं होता है, सिंपल से आपको इधर नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करते हैं, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इधर देखने को मिलेगा एडिट फीचर, तो इस पर आपको नहीं क्लिक करना है एंड उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा एडिट योर अबाउट इन्फो, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो कि आपका डिटेल्स है इधर आपको देखने को मिलेगा, आपका जो फ़ोन नंबर है ये सब आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो इधर आपको देखने को मिलेगा बेसिक इन्फो एंड उसके नीचे आपको इधर देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, तो इस पर आपको अगर एडिट करना है तो आप इधर से क्लिक करते हैं तो आपको इधर एडिट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आपको ऊपर साइड में एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, इधर आपको अपने डे चूज कर लेना है जिस भी डे को आप रखना चाहते हैं एंड आपको इधर से जैसे ही आप जैसे ही डे चूज कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको इधर माउंथ चूज कर लेना है, जो भी आप अपने माउंथ रखना चाहते हैं, जो कि मैं इधर अगस्त ही रखना चाहता हूँ तो मैं इधर अगस्त पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं मैं इधर बर्थ ईयर्स, इस पर आपको क्लिक करके आपको इधर ईयर्स चूज कर लेना है, जो भी आप ईयर्स में रखना चाहते हैं। तो मैं इधर से कोई से भी एक ईयर्स को चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैं इधर 2001 चूज कर लिया एंड आपको इधर ओके वाला ऑप्शन पर देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही सेव करते हैं तो आपको इधर सेव नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आपको इधर नीचे देखने को मिले आई कन्फर्म डेट आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, इस पर आपको क्लिक करके आपको इधर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं तो जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आसानी तरीके से आपका चेंज हो जाता है। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से आप अपने फेसबुक में अपने डेट ऑफ बर्थ को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और यह फ्रेंड कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ जिससे कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है अपने फेसबुक डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए तो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं, मैं उधर आपको कोई से भी रिप्लाई दे दूँगा। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कैसे से नेक्स्ट वीडियो में।